रामगढ़ के अनुमंडल कार्यालय में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने नामांकन किया, जिसमें मुख्य रूप से हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी उपस्थित हुए। मुद्दा क्या होगा? हमारी जो प्यार और आशीर्वाद समर्थन जो मिल रहा है हमारे, मैं जीत के आऊंगी तो जनताओं के साथ हमारे हमें 100% है। मुद्दा क्या होगा? हमारी जो प्यार और आशीर्वाद समर्थन जो मिल रहा है हमारे, मैं जीत के आऊंगी तो जनताओं के साथ हमारे हमें 100% है। मुद्दा क्या होगा? हमारी जो प्यार और आशीर्वाद समर्थन जो मिल रहा है हमारे, मैं जीत के आऊंगी तो जनताओं के साथ हमारे हमें 100% है। मुद्दा क्या होगा? हमारी जो प्यार और आशीर्वाद समर्थन जो मिल रहा है हमारे, मैं जीत के आऊंगी तो जनताओं के साथ। देवघर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक कामेश्वर नाथ दास ने नामांकन किया। वहीं नामांकन के बाद उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। नामांकन किया हूं और कल मैं एक सेट करूंगा। उम्मीद क्या है? उम्मीद की तो बातें नहीं पूछा जाए। पूरे क्षेत्र में जो है फोन पर फोन आ रहा है, इस बार बाजी मार दी आपने। किस मुद्दे को लेकर उतरे हैं? मुद्दा बड़ी मछली और छोटी मछली। एसडीओ साहब निकल लीजिए। अरे बोलिए बोलिए ना, बोलिए ना, क्या हुआ? बड़ी मछली और छोटी मछली। अब बड़ी मछली क्या है, छोटी मछली क्या है, जनता जवाब देगी। जदयू से बाकी हुए थे। देवघर विधानसभा तो मेरा है, मतदाता मेरा है, भगवान है हमारे मतदाता, इसलिए मुझे भरोसा है कि जीत करके विधानसभा भेजेगा। प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? प्रतिद्वंदी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है मेरा। तो इतना दिन इसलिए कि जदयू से मैं निराश हो गया। मुझे टिकट मिलने वाली थी देवघर विधानसभा से, नहीं मिला। अगलो बार टिकट नहीं मिला, उन्नीस में भी टिकट नहीं मिला। इंतजार 5 साल करने के बाद अब तो जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। देवघर से राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने आज 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। मौके पर देवघर जिला अध्यक्ष फनी भूषण यादव के साथ राजद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि इस बार देवघर विधानसभा की जनता और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, भारी बहुमत से जीत कर आएंगे और जो 10 साल में काम नहीं हुआ है उसे पूरा करेंगे। इस दौरान राजद के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। 2 सेट में हम लोग नामांकन किए हैं और इस बार जो है नामांकन, सारा नामांकन सफल रहा और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, तमाम इंडिया महागठबंधन का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए इस बार का जो जीत होगी बाबा भोले का कृपा से, जनता का कृपा से, इस बार जो है सारे समाज का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए जीत इस बार जो है भारी बहुमत से होगी और जीत करके आएंगे तो जनता के लिए जो भी विकास का काम रुका हुआ है सारा विकास का काम हम